साल 1720 जब पूरी दुनिया में प्लेग फैल गया था, इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। उस वक्त दुनिया में इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, फिर भी आप इस बात को जानकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्सिले में फैले प्लेग की वजह से 1,00,000 लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए, बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मर गए। उस वक्त लाशों का कोहराम मच गया था। साल 1807 में यह महामारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में अपना पैर पसार चुकी थी। चाइना से ही यह बीमारी भारत में पहुंची। भारत में इस बीमारी की शुरुआत 1889 में हुई। इसने चाइना से ज्यादा कोहराम भारत में मचाया। भारत में इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले लिया। फोटो में दिख रहा है कलाकार मिशेल सेर की बनाई हुई पेंटिंग। इसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे प्लेग ने कितने लोगों को मार डाला था। 1820 में कोलेरा की महामारी। 1720 ईस्वी के ठीक 100 साल बाद 1820 में कोलेरा नाम की महामारी ने दुनिया में अपना कोहराम मचाया था। 1820 में कोलेरा ने एशियाई देशों में महामारी का रूप लिया। इस महामारी में जापान, खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, जावा, भूटान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया, इन सभी देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। कोलेरा की वजह से जावा में 1,00,000 लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया में हुई थी। इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को छीन लिया था। फ्लू का हमला। कोलेरा बीमारी के ठीक 100 साल बाद एक नई बीमारी स्पेनिश फ्लू का कहर बरसा। वैसे ये फैला तो 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 1920 में देखने को मिला, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब स्पेनिश फ्लू ने भी अपना असर दिखाना चालू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, उसके 2 गुना लोगों को स्पेनिश फ्लू ने अपने चपेट में ले लिया था। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस संक्रमण ने भारत में 2 करोड़ के करीब लोगों की जान ले ली थी। इनमें से पंजाब, जो कि आज के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान पंजाब को मिलाकर 8,00,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये मानव इतिहास की कोरोना की महामारी। लोग कोरोना का नाम सुनकर ही सहम जाते हैं। चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई ये बीमारी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज इस महामारी से लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, और अब भी ये बीमारी लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है। वैज्ञानिक दिन रात इसका टीका बनाने में लगे हुए हैं, मगर आज तक सफलता हाथ नहीं लगी है। आज पूरी दुनिया घरों में कैद है। घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद